आपको मैं अपना निशाना दिखाता हूँ। व्यूअर्स, दिस इज़ आतिफ कबूल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आतिफ कबूल व्लॉग्स। जी व्यूअर्स, आज के व्लॉग में आपको दिखाते हैं कि टिलियर का शिकार किस तरह किया जाता है। ये मेरे दोस्त साथ हैं, पहले तो हम बारिश में भीग चुके थे, अब ये गन लेके आए हुए हैं। एक टिलियर लगा है माशाल्लाह, और दूसरे के लिए भाई गए हुए हैं वहाँ पे, देखते हैं उनका क्या बनता है। करो भाई, ख्याल कपड़े मर्दी पे शबीर खान भाजा भाजा ये जी अल्हम्दुलिल्लाह शिकार हमारा कंप्लीट हो चुका है, और हमने गिने तो नहीं है वैसे, वो वीडियो में देख लीजिएगा तो हमने कितना शिकार मारा है आज। और अब उसको पकाने के लिए हम इधर, हमारा दोस्त है असद अब्बास, उसके कैटल फार्म पे आए हुए हैं हम। ये खुद सालन बनाएंगे इस वक्त, हमारे प्यारे भाई मुजम्मिल भाई सालन पकाएंगे, तैयार करेंगे। जमील भाई, भाई सालन आप पका रहे हैं? इंशाल्लाह पका रहे हैं भाई जान। किस तरह पकाएंगे वो बताएं ना भाइयों को। असद भाई रखा हुआ है, ये देखिए सामने सामान रखा हुआ है। हाँ थे, ख्याल कराए कुत्ती ना चाहे। हाँ जी शबीर खान साहब, आपके कोई कमेंट्स हैं इस बारे में, आज का शिकार कैसा रहा? बस तैयार कर रहे हैं इंशाल्लाह, अभी थोड़ी देर में तैयार हो जाता है। भूख कितनी लगी हुई है आपको? भूख तो फिर सब अंदाजा कर सकते हैं, सबको भूख लगी हुई है। ये देखें जी, यहाँ पे हम खाना तैयार करेंगे, खुद तैयार करेंगे। हम उड़े आ गए बारे यकी कर थी के हाली मुकम्मल फाइनल करना की काम वाला ढांडे थी पक्की जात छे कया ते बैठे जी ते बह ना सक। आपको मैं अपना निशाना दिखाता हूं, गिर चुकी है ना नीचे। गुड गुड गुड। पे दस्ती चूल्हा बन रहा है जहाँ पर हम सालन पकाएंगे। इतनी खुला ना बना, पतीला छोटा है, बलती वाला। हाँ दे भा माचो भी दे। आज बड़े थक गए हैं हम, क्योंकि शिकार में बहुत ज्यादा चलना पड़ता है, आपको पता है। एक ईंट और ले आओ भाई। एक ईंट और ले आए? हाँ जी एक ईंट और ले आओ। कहाँ गया? ये जी असद भाई हमारा शिकार धो रहे हैं, टिलियर का जो हमने शिकार किया है। अच्छे तरीके से धोना है असद भाई। हाँ जी, आग जल चुकी है और हमारा सालन तैयार हो रहा है। हाँ देसी माहौल में, फुल देसी माहौल में बड़ा मजा आता है। जमील भाई इधर देखें। हाँ गुदा। एक मिनट खबर कर जा अब। अच्छा हाँ, वो दूसरा गोश्त आने देते, वो भी आ रहा है साथ में डाल देते। अच्छा हाँ जी, ये क्या नमक डाल रहे हैं?
हाँ जी ये नमक है, हसबे जरूरत नमक डाल देंगे, इससे फिर जल्दी वो ना गोश्त नरम हो जाता है, फिर जायका भी अच्छा आता है इसके साथ। सही अल्लाह के बंदे हाँ प्यारे भाई, हमने डाल दिए प्याज, धोए हैं या नहीं धोए ये धोए हमें नहीं पता, ऐसे कैसे डालेंगे, धोएंगे तो फिर डालेंगे। अल्लाह के बंदे बना सर एक ये जी टमाटर डाल रहे हैं अब असद भाई, ये वैसे मजा आ जाएगा, वो सालन अगर खुदा ना खास्ता खराब हो गया तो मुजम्मिल भाई कहेंगे जी टमाटर उसने ज्यादा डाल दिए थे, और असद भाई कहेगा जी प्याज उसने ज्यादा डाल दिए थे मुजम्मिल ने, एक दूसरे के ऊपर हैं, हमें सालन सही चाहिए। धमाका ना हो जाए कहीं। ये देखें जी हमारा सालन तैयार हो रहा है माशाल्लाह। मेरा व्लॉग हमेशा कुछ दोस्तों के साथ होता है, मैं तो उर्दू में बनाता हूँ, वो सराकी बोलते रहते हैं, इस चीज को माइंड मत कीजिएगा। खट्टे के आई है, खट्टे के डब्बा जाते से सीधी गाल है, खट्टे के जाते से केरा हम उर्दू ते बात है कि तेरी सारी जबान ने हम को प्रमोट करना, सारी जबान सराय की है। ये क्या डाल रहे हैं? हल्दी। हल्दी, अच्छा जी हाँ ठीक है, ये हल्दी डाल दी है इसमें, नमक, नमक ऑलरेडी डाल चुका है, बस हम तू ढक दे दे खान, रतिया मिर्चानियां पे रतिया मिर्चा साथ से ढक दे, वो दूसरा तो आ जाए यार मीट, दूसरा तो आ जाए ना, वो भी इकट्ठे डाल के फिर। ये मीट हमारा थोड़ा सा कम था, फिर और मंगवाया हमने, ये जी तिलियर का मीट है, मैं क्लोज करके दिखाता हूँ आपको, ये देखें अभी इस मीट में हमने देसी मुर्गी भी ऐड कर दी है, देसी मुर्गा बल्कि देसी मुर्गा भी ऐड कर दिया है, और ये तिलियर का मीट भी है, ये एक साथ ही हम बना के खाएंगे, वो भी देसी ये भी देसी। ये जी लकड़ियाँ सारी गीली थी और एक सूखी लकड़ी मिली है, मुजम्मिल भाई उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, कटाई कर रहे हैं उसकी। मुजम्मिल भाई अब इसको आप डालेंगे आप? हाँ, इसको भी डाल दें। हाँ डाल दें, हाँ डाल दें, हाँ पानी दो यार। हाँ सी बात है, नीचे जो गिरा छरा लगा है तो गिरा ना, तुरंत सारी वीडियो बनाई है, बस तेरा काम आदा ही है। हाँ ये छटे ना खड़े खराय किए आगो दा मेरे पक्के में पे तो मैं मजे करे था, ये आके ये ना ही बना वीडियो, ये कैमरा ही कर। मुजम्मिल भाई इसका ढकना खोलें, देखें यार कितनी देर है, अब तो रात होने वाली है, सूरज भी डूब चुका है, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पानी खत्म हो गया, अब थोड़ा थोड़ा पानी बच गया है, फिर इसको थोड़ी देर के बाद बुनाई करेंगे। और कितनी देर लगेगी तकरीबन? घी डाल के बुनाई करेंगे, शोरबे के लिए थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे या दही ऐड कर देंगे शोरबे के लिए ना, बस मैक्सिमम 20-25 मिनट लगेंगे अब सारे। चलो शुक्र इंशाल्लाह। ये जी रात होने वाली है और अब हमारा सालन दम पे है, बस थोड़ी सी देर बाद ये तैयार हो जाएगा।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा सालन पक चुका है, अंधेरा भी हो चुका है। हाँ अंधेरा भी हो चुका है, ये आपके सामने मोबाइल की लाइट जलाई हुई है, हमने 2 घंटे के बाद हमारा सालन तैयार हुआ है। मुझसे तो माशाल्लाह नहीं हो रहा भाई, मैं तो खा रहा हूँ। खाओ खाओ प्यारे भाई खाओ।